ग्रीटिंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू वर्कबुक नंबर 1, पेज नंबर 1. नाउ लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अल्फाबेट की प्रैक्टिस, जो आप नर्सरी में कर चुके हो. देखो, यहाँ पे मैम ने आपको कुछ डॉटेड लाइन दी हुई है, तो आपने उसके ऊपर ट्रेस करना है. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट लेटर क्या होता है? ए. ए अ एप्पल. ए अ एप्पल. स्टूडेंट्स, पहले आपको इस डॉटेड लाइन में ट्रेस करना है. पहले आपने इस डॉटेड लाइन से स्लांटिंग लाइन बनानी है, अगेन स्लांटिंग लाइन एंड बीच में स्लिपिंग लाइन. तो ये क्या बन गया? ए. ए अ एप्पल. ए अ एप्पल. नेक्स्ट लेटर है हमारा बी. नेक्स्ट लेटर है हमारा बी. स्टैंडिंग लाइन, फिर इसी डॉटेड लाइन से हम हाफ सर्कल बनाएंगे, अगेन हाफ सर्कल, और हम इसको इस लाइन के साथ टच करेंगे. तो ये क्या बन गया? बी. बी ब बॉल. बी ब बॉल. नेक्स्ट लेटर क्या आता है? सी. नेक्स्ट लेटर क्या आता है? सी. तो हम इसको इसी डॉटेड लाइन से आपको हाफ सर्कल बनाना है. तो ये क्या बन गया? सी. सी का कैट. सी का कैट. नेक्स्ट लेटर है डी. नेक्स्ट लेटर है डी. डी डा डॉग. पहले हम बनाएंगे स्टैंडिंग लाइन, फिर यहीं से बनाते हुए हम इसको हाफ सर्कल बनाते हुए हम इस स्टैंडिंग लाइन के साथ टच करेंगे. तो ये क्या बन गया? डी. डी डा डॉग. डी डा डॉग. स्टूडेंट्स, अब नीचे यहाँ पे आपको 3 डॉट्स दी गई हैं, तो आपको पहले ये टॉप डॉट से आपको यहाँ पे स्लांटिंग लाइन बनानी है. इसे स्लांटिंग लाइन, अगेन स्लांटिंग लाइन. तो ये क्या बन गया? ए. ए अ एप्पल. ए अ एप्पल. अब बनाएंगे हम फिर बी. स्टैंडिंग लाइन, फिर यहाँ से बनाते हुए हम इसको हाफ सर्कल बनाएंगे मिड लाइन तक, अगेन हाफ सर्कल. तो ये क्या बन गया? बी. बी ब बॉल. अब हम इस डॉट से स्टार्ट करते हुए हम थर्ड डॉट, थर्ड लाइन की डॉट तक मिलाएंगे. तो ये क्या बन गया? सी. सी का कैट. सी का कैट. नेक्स्ट लेटर है डी. स्टैंडिंग लाइन, फिर हम इसको बनाते हुए हाफ सर्कल बनाएंगे. तो ये क्या बन गया? डी. डी द डॉग. स्टूडेंट, एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं. ए अ एप्पल. ए अ एप्पल. बी ब बॉल. बी ब बॉल. सी का कैट. सी का कैट. डी डा डॉग. स्टूडेंट्स, इसी तरह से आपको ए बी सी डी की प्रैक्टिस करनी है. ओके, नाउ पेज नंबर 2. स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे स्वर, जो आप पहले नर्सरी में कर चुके हो ना. तो हमारा फर्स्ट स्वर क्या है? ओ. स्टूडेंट, यहाँ पे डॉटेड लाइन दी हुई है, जिसमें से आपको पहले इसी के ऊपर ट्रेसिंग करनी है. उसे उल्लू. उसे उल्लू. स्टूडेंट्स, यहीं से स्टार्ट करते हुए देखो, हम पहले सेकंड लाइन से स्टार्ट करते हुए हम मिड लाइन तक हाफ सर्कल बनाएंगे, अगेन हाफ सर्कल बनाते हुए यहाँ से स्लांटिंग लाइन लाते हुए इसको ऊपर तक लेकर जाएंगे. तो ये क्या बन गया? ऊ. ऊ से उल्लू. ऊ से उल्लू. अब ऊ से क्या बनता है? देखो, ऊ से ही हम ऊन बनाएंगे. देखो, पहले हम बनाएंगे यहाँ से हाफ सर्कल, फिर अगेन हाफ सर्कल. तो ये क्या बन गया? ऊ बन गया ना. तो इसी के साथ देखो, यहाँ से हम इसकी टेल बनाएंगे. स्लीपिंग लाइन बनाते हुए फिर स्टैंडिंग लाइन बनानी है. तो ये क्या बन गया? ऊ. बड़े ऊ से ऊ. बड़े ऊ से ऊन. बड़े ऊ से ऊन. उसके बाद फिर हम फिर से बनाएंगे ऊ. हाफ सर्कल, अगेन हाफ सर्कल बनाते हुए आपको इस पिट लाइन तक इसको टच करना है. अब इसी से हम बनाएंगे अ. अ से अनार. अ से अनार. फिर देखो, स्लीपिंग लाइन, अगेन स्टैंडिंग लाइन. तो ये क्या बन गया? अ. अ से अनार.
अ से अनार। अब बनाएंगे हम बड़े आ से आम। पहले बनाएंगे हम ऊ से उल्लू, फिर स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, अगेन स्टैंडिंग लाइन। तो ये क्या बन गया, बड़े आ से आम, बड़े आ से आम। स्टूडेंट्स अब नीचे यहाँ पे आपको डॉट दी गई हैं, तो अब आपको पहले की तरह ही जैसे आपको हाफ सर्कल बनाना है मिड लाइन तक, अगेन हाफ सर्कल बनाते हुए आपको मिड लाइन तक ये जो डॉट लगी हुई है उसको यहाँ से टच करना है। तो ये क्या बन गया, ऊ, ऊ से उल्लू, ऊ से उल्लू। अब बनाएंगे हम बड़े ऊ से ऊन, बड़े ऊ से ऊन। हाफ सर्कल, अगेन हाफ सर्कल बनाते हुए आपको इसकी मिड लाइन से हम इसके यहाँ से क्या बनाएंगे, टेल, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। तो ये क्या बन गया, बड़े ऊ से ऊन, बड़े ऊ से ऊन। अब बनाएंगे हम अ, अ से अनार, अ से अनार। पहले बनाएंगे हम ऊ से उल्लू, फिर यही मिड लाइन से हम यहाँ से बनाएंगे स्लीपिंग लाइन, अगेन स्टैंडिंग लाइन। तो ये क्या बन गया, अ, अ से अनार, अ से अनार। अब नेक्स्ट स्वर क्या आएगा इसका, अ से बड़े आ से आम, बड़े आ से आम। इस पहले आप बनाएंगे ऊ से उल्लू, फिर इसी के साथ ही फिर स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। तो ये क्या बन गया, अ बन गया ना, तो फिर इसके साथ अगेन स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे। तो क्या बन गया, ये बड़े आ से आम, बड़े आ से आम। स्टूडेंट्स एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, ऊ से उल्लू, ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, बड़े ऊ से ऊन, आ से अनार, आ से अनार, बड़े आ से आम, बड़े आ से आम। स्टूडेंट इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, नाउ पेज नंबर थ्री, पेज नंबर थ्री। स्टूडेंट्स आज हम करेंगे काउंटिंग 1 to 5। लास्ट टाइम आप नर्सरी में कर चुके हो ना, देखो यहाँ पे कुछ डॉटेड लाइन दी गई है जिसमें से आपको ट्रेस करना है। लेट स्टार्ट। देखो पहले हम क्या बनाएंगे, स्टैंडिंग लाइन। तो ये क्या बन गया, वन, क्या बन गया ये, वन। वन के बाद क्या आता है, वन आफ्टर टू, वन आफ्टर टू। पहले हम बनाएंगे हाफ सर्कल, बनाते हुए हम स्लांटिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन। तो ये क्या बन गया, टू, क्या बन गया ये, टू। नेक्स्ट नंबर क्या आता है, थ्री, स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, फिर हाफ सर्कल, थ्री। नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा, फोर, नेक्स्ट नंबर फोर, स्लांटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, और मिड में से हम बनाएंगे ये स्टैंडिंग लाइन। तो ये क्या बन गया, फोर, फोर आफ्टर फाइव, फोर के बाद क्या आता है, फाइव। हम बनाएंगे पहले स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, फिर हाफ सर्कल। स्टूडेंट्स बस आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये जो आपकी नीचे की लाइन होती है ना, आपने इसको हमेशा टच करके ही नंबर्स राइट करने हैं। देखो मैम क्या बनाएंगे पहले, यहाँ पे देखो डॉट्स दी गई है ना, तो हम यहाँ बनाएंगे वन। तो इस आपकी जो है ये नीचे स्लीपिंग लाइन है ना, तो आपको हमेशा जो भी नंबर राइट करते हो आपको इसके साथ टच करना है। वन के बाद क्या आएगा, टू, हाफ सर्कल, स्लांटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। तो ये क्या बन गया, टू। टू के बाद क्या आएगा, थ्री, स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, हाफ सर्कल। ये क्या बन गया, थ्री। थ्री के बाद क्या आता है, फोर, स्लांटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, अगेन स्टैंडिंग लाइन। तो ये क्या बन गया, फोर, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन एंड हाफ सर्कल। तो ये क्या बन गया, फाइव। स्टूडेंट्स एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव। स्टूडेंट्स इसी तरह से आपको काउंटिंग 1 to 5 की प्रैक्टिस करनी है। ओके।